पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल में कांग्रेस की बैठक में पार्टी के घोषित प्रत्याशी मेजर जेपी सिंह के विरोध को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, बाहरी बताते हुए जमकर फजीहत भी की। कार्यकर्ताओं ने मेजर जेपी सिंह का विरोध करते हुए दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मेजर जेपी सिंह पर बीजेपी समर्थक होने तक का आरोप लगा दिया और चुनाव में सहयोग देने से इनकार कर दिया है। दरअसल मुरादाबाद जनपद के मेजर जेपी सिंह मुरादाबाद से दो बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और ढाई महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने मेजर जेपी सिंह को संभल लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद पहली बार मेजर जेपी सिंह कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में चंदौसी पहुंचे थे। बैठक में चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की पहली ही बैठक में कांग्रेस उम्मीदवार की जमकर फजीहत हुई। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी मेजर जेपी सिंह को बाहरी बताते हुए प्रत्याशी को बदलने की मांग कर ली, साथ ही जमकर हंगामा किया। बैठक में मौजूद मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मेजर जेपी सिंह को बीजेपी समर्थक बताते हुए चुनाव लड़ाने से इनकार कर दिया और तमाम फजीहत के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार बयानबाजी से बाज नहीं आए। मेजर जेपी सिंह ने संभल लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के दावे के साथ प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा भी कर डाला। बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सबको हरा रही है, पीएम मोदी डिटेक्टर हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, मंत्री और सांसद विधायक घर बैठे हुए हैं। तीन दिन हो गए हमारे टिकट हो गए संभल लोकसभा का, लेकिन प्रत्याशी जी जो है हमारे बीच आ जाए हैं उसमें भी पूरी तैयारी से नहीं आए हैं, सिर्फ एक गाड़ी लेकर के आए, तीन लोग लेकर के आए, उससे आगे हमारे कार्यकर्ता आएगा और कार्यकर्ता की मीटिंग हमने कर लिया, आधा कार्यकर्ता हमारे इस्तेमाल चले गए कि उन्होंने हमारी मीटिंग के लिए कैंसिल करवाने की कोशिश की थी और कैंसिल किया था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी ने खुद अपने ऊपर लेकर के मीटिंग कैंसिल नहीं की जाएगी, इसलिए कि सब लोगों को तैयार कर लियो, कुछ लोग आ गए होंगे, रास्ता नहीं हो, नहीं प्रत्याशी चेंज करना चाहिए। मैं पार्टी से अपनी इस बात का अनुरोध करूँगा कि हमारे संभल लोकसभा चेंज किया नहीं जा रहा तो मुस्लिम समाज हमारा इनके लिए वोट नहीं देगा। ये वो पार्टी पर राजनीतिक आती हूँ मैं, मोदी जी को गाली दे नहीं, उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं आप मोदी जी की, इनका मोदी जी की नीतियों का समर्थन समर्थन करूँगा नहीं तो क्या कहेंगे उनकी नीतियों का। चुनाव कार्यक्रम अपने बनाए हैं उनसे मैं समर्थन नहीं करता, उनके खिलाफ सारी नीतियों बनाए हैं। कौन सी नीतियों से खिलाफ हैं, किस नीति से खिलाफ हैं आप मोदी जी की जी, किस नीति से खिलाफ हैं आप मोदी जी की? एक नीति है मोदी जी की, हाँ एक नीति है, वो तो डिक्टेटर है, वो तो डिक्टेटर जो चाहते हैं वो कर रहे हैं जाकर के, और वैसे डिक्टेटर के सामने छोड़ के क्यों आता, डिक्टेटर जहाँ जाके किसानों का पेमेंट कुछ नहीं और खुद अपना आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, खुद अपने आप का कुछ कर रहे हैं, पार्टी के नेता तो घर बैठे हुए आराम से, अगर वो करते तो बड़ी अच्छी बात थी। सेना का क्रेडिट ले रहे हैं क्या लगता है आपको जी, सेना का क्रेडिट ले रहे हैं लगता है आपको, जिस तरह से राफेल मुद्दा, सेना का आक्रमण, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या लगता है? सर्जिकल स्ट्राइक मतलब फौज में रह चुका हूँ मुझे मालूम है, ये सर्जिकल स्ट्राइक फौजी करते हैं, फौजी गोली खाता है, फौजी गोली मारता है, फौजी सब काम करता है, क्रेडिट वो क्यों ले रहे हैं, गलत है क्रेडिट तो ना इनको लेना चाहिए ना उनको लेना चाहिए, उसको फौजी के काम में। अच्छा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है यूपी के, कह रहे हैं कि हम लगभग 70 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं यूपी के, क्या कहेंगे तो 70 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे तो पक्ष बताएगा और ये क्षेत्र बताएगा और सब बताएगा। आप लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वीक है और ये वो जो सपा का बसपा का समझन मिला है बड़ा ताकतवर हो गया है, बीजेपी को हरा देगा, कांग्रेस हरा रही है सबको, उनको आपको ये बताऊँ कांग्रेस के प्रति इतनी सहानुभूति किसान की है, आज की तारीख में कांग्रेस के प्रति इतनी सहानुभूति मुसलमानों की है, कांग्रेस के प्रति इतनी सहानुभूति हिंदुओं की हो गई है, राजपूतों की हो गई है और दूसरी कास्ट की हो गई, जाटों की हो गई है, किसान भी हो गई है, किसान के मेंबर। अच्छा कितने लाख आपके नाम से मुस्लिम वोटर क्यों कट रहा है और कहाँ देखते हैं अपने आप को इस समय संभल लोकसभा से? मेरे नाम से जितना वर्ग को वोट मिलेगा उससे ज़्यादा मेरे को मिलेगा, कटेगा नहीं, आप देखिए मेरे खेत पर जाके तो मालूम कर ले, और देखो मुस्लिम के पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, वर्ग नीचे आज बैठे हुए हैं वर्ग साहब यहाँ पे, अगले दिन जाके खड़ा कर देंगे प्रेरणार्थी को वहाँ पर जा करके, तो दूसरों को किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा है
मुकाबला सुनो तो वाई डी इलेक्शन मुकाबला कैसे भी बता देंगे। आप मान किससे रहे मुकाबला? मैं कोई मानूंगा अभी किसी। अच्छा शुरुआत ही गलत हो गई पहली मीटिंग में विरोध, शुरुआत ही गलत मानते हैं, शुरुआत ही गलत हो गई पहली मीटिंग में विरोध हो गया, आपका क्या लगता है आपको ये विरोध आगे भी जाएगा? विरोध होता है उसका घंटा बड़ा ऊंचा जाता है और स्ट्रॉन्ग आदमी का विरोध होता है कमजोर का नहीं। विरोध भी तो आपके परिवार में ही हो रहा है ना, आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, विरोध भी आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, अभी के परिवार में हो रहा है, संगठन में हो रहा है, विरोध कर रहे हैं सब चीज हो जाएगी ताकत। जब संगठन ही आपका विरोध कर रहा है तो आप कैसे जीत पाएंगे? मजबूत करूंगा मैं यहाँ पे तगड़ा करे, बहनी ने बड़ा अच्छा मजबूत कर रखा है। अच्छा चुनाव में बहुत कम समय रह गया, 23 तारीख को महिला संगठन को इतना मजबूत कर दिया, एक महिला ने इतना महिला ने संगठन मजबूत कर दिया कि कोई और किसी क्षेत्र में नहीं है। पिछले क्षेत्र में नसीबुल हसन चुनाव लड़े थे, चार आदमी थे बीजेपी के कांग्रेस के, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम संगठन तो है इतना रखा हुआ है, हर गांव में संगठन तो है, ये इन्होंने किया है। मैं तो मजबूत कहता हूँ, मैंने नहीं किया, बेचारी बैठी महिलाओं से इन्होंने किया।